स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, जो आपका बिहार एसटीईटी कंप्यूटर साइंस 2023 एग्जामिनेशंस वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज आपका 10 से 15 मार्क्स का है, जो आपका 100 मार्क्स का जो आपका पूछा जाएगा कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट, जिसमें आपका अप्रोक्स आपका 10 से 15% मार्क्स जो है आपका सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट आपको दिला सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग OSI मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपको बिहार एसटीईटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि OSI मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि OSI मॉडल, OSI का फुल फॉर्म आपका होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो इसको हम लोग रिफरेंस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह आपका जो है डेवलप किया गया था इन 1984 इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मतलब ISO के द्वारा। तो यहाँ पे हम लोग जो डिफाइन जो डिफिनेशन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रिफरेंस मॉडल डेवलप इन 1984 बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो OSI मॉडल है वह किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो आपको यहाँ पे आंसर होता ISO के द्वारा। ISO कहने का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए वे ऑफ सब डिवाइडिंग ए कम्युनिकेशन सिस्टम इंटू स्मॉलर पार्ट कॉल्ड लेयर। ठीक है, जो भी स्मॉलर पार्ट में जो हम लोग कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं इसको हम लोग लेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि ए लेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअली सिमिलर फंक्शन दैट प्रोवाइड सर्विस टू द लेयर एबव एंड इट रिसीव सर्विस फ्रॉम द लेयर बिलो इट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड ए सेट ऑफ डिजाइन स्टैंडर्ड फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सो दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, इट इज ए बेसिक गाइडलाइन ऑफ प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको OSI मॉडल पे ही जो है आपका टोटल फुल्ली आपका कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट जो आपका डिपेंडेंट है, जितने आपका 7 लेयर है, 7 लेयर के बारे में आपको अगर आप पूरा आप कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो आपको जो है कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका चैप्टर वह समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 7 लेयर का ही एप्लीकेशन आपको फुल्ली जो पढ़ना है वो आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट में, जिसका वेटेज जो है आपका बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग पहला देख लेते हैं इसका जो एप्लीकेशन लेयर जो होता है इसका आपका कौन कौन सा लेयर होता है। ठीक है, OSI मॉडल का, तो यहाँ पे हम लोग देखे कि जो आपका OSI मॉडल है इसमें आपका कौन कौन सा जो है आपका लेयर होता है। तो पहला आपका जो होता है, आपको यहाँ देखिए यहाँ पे नीचे से काउंट होता है, यहाँ पे फर्स्ट वन हो गया, फिर टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है और सेवेंथ है। तो आप यहाँ पे डिस्कस करें तो फिर पहला होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, मतलब 7th वन है। ठीक है, नीचे से आप देख सकते हैं इसमें जो 7 लेयर होता है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। टोटल आपका OSI मॉडल में जो है आपका 7 लेयर्स है। ठीक है, आप आसानी से याद रख सकते हैं कि फिजिकल लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, सेशनल लेयर होता है, प्रेजेंटेशन लेयर होता है और आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि आपका होस्ट लेयर, पूछ लिया जाता है आपको कि होस्ट लेयर क्या होता है। तो आपका होस्ट लेयर का मतलब होता है कि यूज्ड व्हेन एवर ए मैसेज पासेस फ्रॉम टू ए यूजर, जब यूजर के द्वारा जो है मैसेज पास कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं होस्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मीडिया लेयर, कि मीडिया लेयर क्या होता है, यूज्ड व्हेन एवर एनी मैसेज पासेस थ्रू द होस्ट डिवाइस, जब आपको होस्ट डिवाइस से मैसेज पास किया जाता है तो वहां पे जो होता है आपका मीडिया लेयर काम करता है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि आपका मीडिया लेयर क्या होता है, तो मीडिया लेयर का कहने का मतलब होता है कि जो आपका होस्ट लेयर होता है अगर यह मैसेज को फॉरवर्ड करता है, मतलब ट्रांसफर करता है, तो उसको हम लोग मीडिया लेयर बोलते हैं। और जो आपका होस्ट लेयर होता है जब यूजर मैसेज को पास करता है तो उसको हम लोग होस्ट लेयर बोलते हैं। OSI मॉडल में आपका टोटल 7 लेयर हुआ, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और आपका फिजिकल लेयर।
ठीक है। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहला इसमें जो डिस्कस करेंगे वो आपका फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिए पहला जो आपका लेयर है वो है आपका फिजिकल लेयर। कन्वे द बीट स्ट्रीम थ्रू द नेटवर्क एट द इलेक्ट्रिक ए मैकेनिकल लेवल, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक लेवल से जो आपका मैकेनिकल लेवल में होता है उसको हम लोग फिजिकल लेयर बोलते हैं। डिफाइन फिजिकल मीन्स फॉर मूविंग डेटा ओवर नेटवर्क डिवाइस, जो आपका नेटवर्क डिवाइस होता है इससे जो आपको डेटा का जो मूवमेंट होता है उसको जो आपका फिजिकल लेयर में होता है। इंटरफेस बिटवीन नेटवर्क मीडियम एंड डिवाइसेस, फिजिकल लेयर का जो आप जितना भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट वो सारा फंक्शन है फिजिकल लेयर का, ठीक है। ये सारा पॉइंट के बारे में फिर से आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा तब आपका फिजिकल लेयर कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि जो आपका फिजिकल लेयर है उसका फंक्शन क्या क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें तो डिफाइन ऑप्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज लिविंग वोल्टेज चेंजेस, फिजिकल डेटा रेट, ट्रांसमिशन डिस्टेंस एंड फिजिकल कनेक्शन, ये सारा पॉइंट जो है आपका वो आपका फिजिकल लेयर्स का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपका डेटा लिंक लेयर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा लिंक लेयर जो आपका होता है, सेकेंड जो पॉइंट है आपका कि टेक ए स्ट्रिंग ऑफ बिट्स एंड डिलीवर इट अक्रॉस ए लिंक, इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर, ठीक है। कन्वे द बिट स्ट्रीम थ्रू द नेटवर्क एट द इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल लेवल, ये आपका लेयर वन में होता है। टर्न पैकेट इंटू रॉ बिट्स एंड बीट इंटू पैकेट, ओके। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट आपका है इसी में आप जो आपका जो जो आपका डेटा लिंक लेयर है इसमें आपका एक फ्रेमिंग होता है और आपका एरर डिटेक्शन होता है। इसमें क्या करता है, ब्रेक करता है बिट स्ट्रीम ऑफ इनटू फ्रेम्स में, कंप्यूट एंड एरर डिटेक्शन कोड एंड ट्रांसमिट करता है इस फ्रेम सेपरेटली, जितने भी फ्रेम होता है उसको जो है वो ट्रांसमिट करता है सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद कंप्यूट करता है एरर डिटेक्शन कोड को, ब्रेक करता है बीट स्ट्रीम ऑफ इनटू फ्रेम्स, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज नेटवर्क लेयर्स, नेटवर्क लेयर्स क्या होता है और उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका नेटवर्क लेयर जो होता है उसके बारे में, ट्रांसलेट लॉजिकल नेटवर्क एड्रेस एंड नेम्स टू देयर फिजिकल एड्रेस इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर। फॉर एग्जाम्पल डिवाइस नेम टू मैक एड्रेस, या क्या होता है आपका नेटवर्क लेयर का जो होता है आपका वर्क होता है। नेटवर्क लेयर जो क्या क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यह आपका एड्रेसिंग के लिए होता है, डिटरमाइनिंग रूट्स ऑफ फॉर सेंडिंग, मैनेजिंग नेटवर्क प्रॉब्लम सच एज द पैकेट स्विचिंग, डेटा कंजेशन एंड राउटिंग के लिए, ब्रेक द डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट एंड असेंबल द डेटा, चिल्स हायर लेयर फॉर फ्रॉम डिटेल्स ऑफ हाउ द डेटा गेट टू इट्स डेस्टिनेशन। यहाँ पे हम लोग देख लिए तो जो आपका नेटवर्क लेयर होता है वह क्या होता है, वह क्या काम करता है और वह क्या क्या चीज के लिए जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं वो आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर। फोर्थ वन जो आपका है ट्रांसपोर्ट लेयर डिवाइड स्ट्रीम ऑफ द डेटा इनटू चंक्स और पैकेट्स, ओके। रिसेंबल द मैसेज फ्रॉम पैकेट करता है, प्रोवाइड एरर चेकिंग टू गारंटी एरर फ्री डेटा डिलीवरी विथ नो लॉसेस एंड डुप्लीकेशन, प्रोवाइड एक्नॉलेज ऑफ सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, रिक्वेस्ट रिट्रांसमिशन इफ सम पैकेट डोंट अराइव एरर फ्री। एंड नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल एंड एरर हैंडलिंग। जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ये आपको प्रोवाइड करता है फ्लो कंट्रोल को और एरर हैंडलिंग को, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट लेयर देख लेते हैं, वो आपका जो है सेशनल लेयर है। तो सेशनल लेयर जो होता है आपका एस्टेब्लिश करता है मेंटेन इंड सेशन अक्रॉस द नेटवर्क, रिस्पॉन्सिबल होता है रिकॉग्नाइजेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए, सो ओनली द डिजिग्नेटेड पार्टीज कैन पार्टिसिपेट इन द सेशन, ओके। प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन सर्विसेज बाय प्लानिंग चेक पॉइंट इनटू द डेटा स्ट्रीम, इफ सेशन फेल ओनली डेटा आफ्टर द मोस्ट रिसेंट चेक पॉइंट नीड टू बी ट्रांसमिटेड। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेज हु कैन ट्रांसमिट डेटा एट ए सर्टेन टाइम एंड हाउ फॉर लॉन्ग, इज कॉल्ड सेशन लेयर, ठीक है। जो आपका सेशन लेयर हुआ इसका यहाँ पे फंक्शन हुआ, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वो आपका है प्रेजेंटेशन लेयर। ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है वह क्या क्या काम करता है, तो नेक्स्ट सेवेंथ वन है वो ट्रांसलेट करता है एप्लीकेशन टू द नेटवर्क फॉर्मेट एंड वाइस वर्सा,
all different formats from all the sources are made into a common uniform format that the rest of the OSI can understand. Responsible for protocol conversion, character conversion, data encryption and decryption, expanding graphics command and the data compression. Okay. And next one is sets standard for the different system to provide symbol communication from multiple protocol and stack. यह आपका जो है प्रेजेंटेशन लेयर का वर्क्स है, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो आपका है वह आपका एप्लीकेशन लेयर। आपका जो एप्लीकेशन लेयर होता है वह क्या काम करता है, इसको हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशन स्पेशली रिटेन टू रन ओवर द नेटवर्क। जो नेटवर्क होता है उसमें रन करने के लिए जो है स्पेशली हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर का काम करते हैं। अलाउ एक्सेस टू द नेटवर्क सर्विसेज दैट सपोर्ट एप्लीकेशन, डायरेक्टली रिप्रेजेंट द सर्विसेज दैट डायरेक्टली सपोर्ट यूजर एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल फाइल ट्रांसफर एन ईमेल। यह जो आपका एप्लीकेशन लेयर का जो आपका एग्जाम्पल्स है। व्हाट आर द यूजर सीज और डूज, मतलब यूजर क्या देख रहा है और यूजर क्या कर रहा है, वह सारा एप्लीकेशन लेयर में ही आपका काम होता है। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि एप्लीकेशन लेयर जो होता है इसमें आप क्या क्या वर्क होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो है आपका एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंट होता है। हम लोग यहाँ पे जितने भी लेयर जो हम लोग पढ़े हैं सेवेंथ लेयर, इसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल होता है वह भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा जो आपका प्रोटोकॉल है। इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जो भी आपका प्रोटोकॉल गिवन रहता है पूछ लिया जाता है कि यह कौन सा लेयर का प्रोटोकॉल है। अगर आपको प्रोटोकॉल ध्यान में नहीं है तो आपको वो क्वेश्चन नहीं सोल्व हो सकता है, इसलिए आपको प्रोटोकॉल का ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जितने भी लेयर है ओएसआई मॉडल का वह कौन सा लेयर में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है वो भी पढ़ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन लेयर जो होता है इसमें कौन कौन सा जो है प्रोटोकॉल प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएनटीपी, एसआईपी, एसएसआई, डीएनएस, एफटीपी। एफटी मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हुआ, एनटीपी, एसएमपी, डीएससीपी, एसएनएमपी, टेलनेट, नेटकॉन। यहाँ पे देख सकते हैं सारा जो लेयर है, जितना भी प्रोटोकॉल हम लोग यहाँ पे देखे ये सारा आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है इसका प्रोटोकॉल जो होता है वह एमआईएमई होता है, एक्सडीआर होता है, टीएलएस होता है और आपका एसएसएल होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेशनल लेयर जो होता है इसमें कौन कौन सा प्रोटोकॉल होता है, तो नेम पाइप, नेट बायस, सैप, सीप, L2TP, PPTP, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है बहुत ही इंपोर्टेंट है, सारा लेयर जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो आपका सीरीज चल रहा है इसमें, ठीक है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है जो आपका TCP, UDP, HTTP और DCCP होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें नेटवर्क लेयर, इसमें आपका IPv4, IPv6, ICMP, IPSecond, IGMP, IPX, AppleTalk। इसी प्रकार आप डेटा लिंक लेयर का आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चार्ट गिवन है, फिर आप इसी प्रकार फिजिकल लेयर का भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ समरी देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, जितने भी लेयर है उसमें कौन कौन सा क्या चीज का सेगमेंट्स होता है वह चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है इसमें क्या होता है कि नेटवर्क प्रोसेस करता है टू एप्लीकेशन तक। ये आपका नेटवर्क लेयर एप्लीकेशन लेयर में होता है, ठीक है। तो जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है इसमें जो नेटवर्क है प्रोसेस टू एप्लीकेशन, सिर्फ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, इसमें डेटा होता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सिक्स नंबर में था वो प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें क्या होता है कि डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है और आपका इंक्रिप्शन होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है। नाम से क्लियर, प्रेजेंट करना, प्रेजेंटेशन लेयर, इसमें क्या होता है कि डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और आपका इंक्रिप्शन करते हैं डेटा में, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेशन लेयर, जो आपका सेशनल लेयर जो था इसमें क्या होता है कि इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होता है, इसमें भी आपका डेटा का ही यूज करते हैं, इसमें क्या होता है कि इंटर होस्ट कम्युनिकेशन होता है। सिंपली याद रख सकते हैं कि इंटर होस्ट कम्युनिकेशन दैट मीन्स सेशन लेयर। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसमें क्या होता है कि इन टू इंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट लेयर, इसमें हम लोग सेगमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें नेटवर्क लेयर, इसमें क्या होता है कि पाथ डिटरमिनेशन एंड आईपी, पाथ डिटरमिनेशन एंड आईपी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो आपका नेटवर्क लेयर में होता है। जितने भी लेयर के बारे में कैरेक्टरिस्टिक देखे आपको सिंपली आप याद रख सकते हैं यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है उससे। डेटा लिंक लेयर जो होता है इसमें फिजिकल एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस को हम लोग डेटा लिंक लेयर बोलते हैं।
उसका जो फिजिकल लेयर होता है, इसमें आपका गूगल मीडिया हो गया, सिग्नल हो गया, बैंडविड्थ ट्रांसमिशन हो गया, ये आपका बिट्स फॉर्मेट में होता है। ये आपका क्या है समरी या बैच, आपको यही चार आप याद रख सकते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको सोल्व हो सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जो इंटर होस्ट कम्युनिकेशन जो होता है वह OSI के किस लेयर में होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि सेशन लेयर में होता है। ठीक है, अगर आपको OSI मॉडल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या आपको बिहार STET एग्जामिनेशन जो आपका कंप्यूटर साइंस का होने वाला है, इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई डाउट है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।